तो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस जो भी है, ठीक है। आज हम भक्ति सूफी परंपरा को खत्म कर देंगे और आज इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। देखो कितनी अच्छी लाइन है, परंपरा खत्म करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम थे देखो भैया हिंदू तथा मुसलमान जैसे शब्दों का कोई प्रचलन कौन सी कहानी, अच्छा वोट होंगे, हाथ खड़ा करो, वो बोलेंगे यार जो इस विधेयक के साथ में है। ये सब बोलने वाले कितने, एक दो तीन ही बंदे हैं। अरे सुन तो लो, विधेयक नंबर 305 इसके अंदर लिखा गया है कि आज मोहम्मद बिन कासिम की कहानी बताऊंगा, तो जो इस विधेयक के सपोर्ट में हाथ खड़ा करेंगे बोलेंगे यस। करना इन सब ससुरों को पता है ना, इसीलिए चला के खेल ले। बाबू कन्या के दिन है ना, तुम ढूंढ रहे होगे, ध्यान रखना। मैं खतरा नहीं ले सकता, इनको सीक्रेट बातें पता लग जाती है, आग लगा देंगे, मेरी दिक्कत है बहुत बड़ी, तुम्हारे से तब भी बच जाऊंगा, इनसे नहीं बच पाऊंगा। अच्छा सुनो, दे इधर सुनो, मैं क्या बता रहा था, देखो भक्ति आंदोलन चालू कब हुए थे? नहीं पहले ये कर लो, अत्याचार कर रखा है तुम लोगों ने, कसम से अत्याचार तुम समाजी। अच्छा सुनो, जा रही है, विदाई देंगे तालियों के साथ। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया था, क्या हाँ भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग और 1800 तक, मतलब 1800 1700 1600, ठीक है। मैं बस एक टाइमलाइन तुम्हारे मन में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच बहुत सारे बदलाव आए नहीं आए भाई, आए ना, बहुत सारे बंदे गाने सीखे, क्षेत्रीय भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ, जाति पाति की व्यवस्था में थोड़ा मतलब ढील पड़ी, है ना, समझ आ रहा है, कंडीशन, हाँ तंत्र विद्या भी आई, कंडीशंस बदली, पूरा माहौल अलग हो गया, समझ आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक। हम अभी क्या बोला था तुमने, हाँ अभी तक कोई मुसलमान सूफी नहीं आया था, मतलब हमारे भारत के होते थे, अलवार नयनार चालू हो गया, शिव और विष्णु की पूजा चालू हो गई, 1100 के जब छह कब की बात थी, बासवंदा नाम के ब्राह्मण ने भी चालू कर दिया था वो आंदोलन, ठीक है, तो ये सारा होने लग गया था। लेकिन अभी तक है ना मुसलमानों का असली में यहाँ पे ना कल्चर स्थापित नहीं हो पाया था, है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आया था और चला गया था, उसने वहाँ पे राज नहीं किया था भारत में, ठीक है, बता ले क्या बता रही है, पहले तो कहानी बोल दे उसको, सुनो। तो क्यों नहीं हुआ था, हिंदुओं का तो चालू हो गया था, मुसलमानों का चालू क्यों नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आया तो था भारत में, मुस्लिम तो था, लेकिन वो चला गया था, मजा ही नहीं आया था, उसे बोला क्या है पागल है, भारत में कौन रहेगा, अपने अरब में रहेंगे, गोरी गोरी लड़कियां और तेल बहुत सारा, ठीक है, डूब के मर जाएंगे, जला लेंगे एक दूसरे को, ठीक। सुनो अब कहानी सुन लो इसकी, कि पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था ना 712 में लगभग आया था, ठीक है। अब ये आया कैसे था, देखो ये है भारत साउथ, ठीक है, यहाँ पड़ता है श्रीलंका, और श्रीलंका आज से ही नहीं प्राचीन काल से ही एक चीज़ के लिए फेमस है, जिसे क्या बोलते हैं, लड़के नहीं बोलेंगे लड़कियाँ बताएंगे, तुम्हारी तो चीज़ें हैं, क्या क्या किसके लिए, तो बताओ ना किसके लिए फेमस है श्रीलंका, तुम्हें भी नहीं पता, मसाले के लिए तो अलग बात है, लेकिन देखो श्रीलंका जो फेमस है ना मोतियों के लिए फेमस है, श्रीलंका के मोती बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनती है ना, तुम्हें तो पता होनी चाहिए, ठीक है, जिन पे नगबग जड़े रहते हैं, तो श्रीलंका है ना पुराने समय से, क्योंकि समुद्र के बीच में, और यहाँ पता है जो सीपियाँ नहीं होती उनमें अलग अलग तरह के वो निकलते थे, बहुत चमकीले चमकीले अलग अलग तरह के मस्त मस्त, ठीक है। तो जो पुराने राजा होते थे ना, आते जाते बंदे आक्रमण करते रहते थे श्रीलंका पे और लूट के लेके जाते रहते थे, ठीक है। तो यहाँ के जो क्षेत्र के देश थे ना, ये अरब था, अरब क्या, अरब मतलब यहाँ पे ईरान इराक अफगानिस्तान के इस तरह बोल रहा हूँ, ठीक है, अरब नक्शे में देख सकते हो अरब, ठीक है, सऊदी अरबिया की बात नहीं कर रहा, मैं अरब की बात कर रहा हूँ, उस समय के मुस्लिम देश जितने भी थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यहाँ का एक बंदा था, ठीक, राजा था, उसने ना सेनापति को भेजा था अपने, किसको, उसके सेनापति यहाँ पे आए, छपा छपा छपाक छपाक करते हुए बंदा आया, ठीक है, समुद्र में तैरते तैरते उयम्मा करते करते यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और यहाँ लूट लिया, उसने सामान लूट लिया, क्या लूट लिया, सामान यहाँ पे लूट लिया, मतलब यहाँ से सी पीप लूट लिए, और यहाँ पे अब राजा है भाई, औरतें तो लेके जाते हैं, तो लड़कियाँ भी उठा ली वहाँ से बहुत सारी, ठीक है। तो जब ये वापस आ रहे थे ना, मस्त आ रहे थे, अपने को टेंशन ऐसे आ रहे थे, फुल एकदम दारू पी के उड़ गल्ला करते हुए, बड़ी बड़ी इनके पास गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, स्कॉर्पियो में आएंगे, बड़े बड़े शिप होते थे, तो पहले ना समुद्र में बदतमीजी होती थी, बदतमीजी पता है कैसी बदतमीजी, ज्यादा बदतमीजी नहीं जानते बदतमीजी क्या होती है, हाँ लुटेरे खुशी में ले जा रहे हैं लड़कियाँ सीपियाँ सब एकदम मस्ती में जा रहे हैं, हाँ उस समय तो ये होता ही था, ठीक है, बहुत सारा धन लेके जा रहे थे यहाँ से श्रीलंका से लूट के, यहाँ पे एक हवा बीच में
कुछ समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया उनके शिप पे और सामान लूट लिया। हाँ क्या लड़कियां भी लूट ली होंगी, अब क्या भाई होता है भाई, ये तो बनता ही है। अब सामान उतार रहे हैं तो वो भी चले चोला चुखाई कर लेंगे घर में, चोला चुखाई बोल क्या बोलते हैं, चूल्हा चौखाई कर लेंगे, ठीक है, मतलब कुछ तो करेंगी, भेड़ तो चला लेंगी, कुछ तो कर लेंगे। उस समय यार ये मत बोलना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उस समय थोड़ी आई एस आई पी एस बननी थी कि नहीं मैं तो आई एस बनती, तो उस समय तो यही काम था, बहुत काम भी यही होता था कि चूल्हा चौकाई करना था बस, उसके अलावा बहुत काम नहीं होता था कुछ, ठीक है यही काम। तो लड़कियों को भी ले गए, ठीक है, और बोला जाता है भारत के लोगों ने नहीं किया था, यहाँ के कुछ लुटेरे थे उन्होंने लूट लिया था, घूमते रहते थे समुद्र में, कौन सा पुलिस वाले या परमाणु लेके घूमते थे, सिपे होती थी, पुराने लोग थे उस समय, इतना कुछ था भी नहीं, कोई भी आता था लूट के ले जाता था, समुद्री लुटेरे बोलते थे, ठीक है सुन लो मेरी बात, समुद्री लुटेरे बोलते थे। तो भैया इनके राजा को पता लगा, क्या पता लगा, हमारे भाई ये तो बदतमीजी हो गई, हमारे जहाज को लूटा, हमारे जहाज को लूटा तो लूटा, लूटी हुई चीज को लूट लिया, चोर के घर चोरी, अच्छी किसी बंदे का सामान चुरा लोगे ना दर्द नहीं हुआ, चोर को इतना दर्द हुआ, अरे मेरे घर चोरी, मैं सबकी पर्स मारता हूँ, इसने मेरी पर्स मार ली, बड़ा दर्द हुआ, ठीक है। इन लोगों को बहुत गंदा फील हुआ, इनके यहाँ की औरतें, अरे जा रहे तेरे तो जहाज लूट गया ससुरे, तू यहाँ के बदमाशी करता है कुत्ते, यहाँ शेर बनता है, जाके वहां देख समुद्र में तुम्हारा जहाज लूट लिया, ठीक है, हाँ ताने भी ताने जलील कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने फिर किसको भेज दिया, किसको भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को, किसको, कासिम, कासिम मत लिख देना, मोहम्मद बिन कासिम लिख दो कहीं, हो क्या नाम है, सनी देवल है नी, काशी नाम से मूवी, घातक में काशी होता है, बनारस में रहता है, मेरे पिताजी आजादी की लड़ाई लगे, तो क्या करे, आजादी गई, खत्म हो गई आजादी, लेकिन घातक मूवी, उसका बाप खास था फिर वो लेके जाता है, ये देखिए ताम्रपत्र, मेरे पिताजी गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में लड़े, गांधी जी मर गए ना, तुम्हारे पिताजी भी मर जाएंगे, जाओ यहाँ से। हाँ देखिए नहीं तुमने घातक कैसे बच्चे हैं, भैया धरती माँ होती है उसको नहीं बेचते, हाँ ऐसा बोलता हूँ, जब उसका भाई बोलता नहीं दुकान बेच दे, जब वो क्या नाम है उसका जो वहाँ का गुंडा होता है, कातिया ना कातिया, ठीक। तो यहाँ क्या लड़कों की बेइज्जती होगी भाई, अब लड़कों की बेइज्जती, राजा उल्टा, ठीक है, हाँ इन बंदों को इंसल्ट फील होगी, हाँ हाँ कि मेरी इंस्टाइड पे किसी और ने रिक्वेस्ट, मतलब मेरे से बिना पूछे कैसे डीएम कर रहे हो किसी और को, दिक्कत की बात है ना, मैंने रिक्वेस्ट भेजी और दूसरे बंदे ने कैसे एक्सेप्ट कर ली, मतलब मैंने भेजी थी, मैं बोल रहा था कि भाई मैं भेजूंगा ऐसे रिक्वेस्ट, ससुरे ने सुन के खुद भेज ली, ये इंडिया वालों पे आरोप लगाया था इसने कि भाई माल अपना था तुम कैसे ले गए, अंदर से चुभन हुई थी, दर्द अंदर से था, इन्होंने कासिम को भेज दिया, ठीक है। कासिम गया, उस समय ना इस पूरे इलाके में एक बंदा राज करता था, उसका नाम था दाहिर, क्या नाम था, क्या दाहिर, हाँ मैं गलत सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे, ठीक है, क्या नाम था, दाहिर, क्या दाहिर, कहीं दलिया वलिया बोलो, दाहिर दाहिर, साहिल नहीं, हाँ मेरे को साहिल सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, किसी के मन में साहिल हो तो दाहिर ही बोलेंगे, ठीक है, साहिल वाहिल, ठीक, देख कितनी खुशी हो रही है, सलोनी बोलूंगा तो वो खुश होंगे, सुनो तो दाहिर, ठीक है, दाहिर के ऊपर हमला कर दिया, और उस समय पता क्या था, हमारे यहाँ एक चीज चलती हुई आई है कि हमारे भारत में ना आपस में बंदे लड़ते रहते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ता है, हिंदू मुसलमान से लड़ता है, हर राजा दूसरे से लड़ते हैं, तो जब दाहिर पे हमला हुआ ना, कोई बचाया नहीं इसको, और दाहिर को फुल घुसंड लात मारे ढंग से, हैं मेरी ऐसे कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, पूछी तूने मेरे से, तब तो भाईचारे में आ रहा था, अब तूने रिक्वेस्ट भेज दी बिना पूछे, और बोल रहा है मेरे से बात कर लो अलग से, हाँ बोला मेरे जहाज को लूटा कैसे, बोला भैया हमने नहीं लूटा, दो लट मारे बोल कैसे लूटा, बोला हमने नहीं लूटा, बोला सामान वापस कर, बोला हमने नहीं लूटा, बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा, इतना मारा कि नाक की बक्की उक्की फट गई, हम बोला नाक वाक से खून निकल गई, उल्टी हो गई, सब कुछ हो गया, डायरेक्ट बोला भैया छोड़ दो, ये गलती हो गई, लेकिन उसको छोड़ा नहीं, बहुत मारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, हमारी पटा हमारी लेके जाएगा तो तुम्हारी को हम ले जाएंगे, है ना, बदला तो लेना है, इंडिया जो भारत है, इन्होंने ही लूटा था, अरे इन्होंने लूटा था, इन बेचारे पे तो फ्री का आरोप लग गया, होता नहीं है कि हाँ दाहिर बेचारा फ्री में पिट गया, वो वाली बात है, पहले गलती से किसी और ने थूका था, पीछे चल रहा था, उसके रैपट मार दिया, बस में होता नहीं ब्रेक लगती है तो लड़के है चिपक कैसे रैपट, हाँ हाँ ऐसे होता है, दिखता दे सकते दूर भी खड़ा हो गिर क्यों रहा मेरे पर, इतनी जगह नहीं दिख रही है एक हाथ के बीच में, हाँ नहीं आरोप लगाती है लड़के, तमन करते हैं दांतों में कोनी मार दो और दांत अंदर हो जाए कसम से, नहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, मैं भी आया भाई बस से दो साल, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है, दूर हो जाओ, हाँ तू बड़ी तू मतलब तू है दुनिया की सबसे सुंदर औरत जो तेरे पीछे चिपकने का शौक है, तो पसीना आते रहता बदबू मारती है सब, हाँ बस में, हाँ और उनमें से पता है लड़कियों में ज्यादा दिक्कत होती है, जब पसीना आता है ना तो मेकअप झड़ने लग जाता है, तो गिनने से आती है चिपचिपी सा,
हाँ नहीं हाँ अचानक से कभी कभी ऐसे होता है आ रहे होते ना झटके लगते रहते हैं फिर अचानक से कंधा डर कौन है ये क्या हो गया ड्राइवर कभी कभी एक्सीडेंट कर देता है ये क्या हो गया हाँ ड्राइवर बोलता है ये लोग नहीं बसेंगे बटेंगे हाँ हमने तो लेडीज भी करा था ये कौन है होता है क्योंकि सबके लिए नहीं बोला तुम लोग का मेकअप करते यार तुम तो कभी करते ही नहीं हो तुम्हारे तो बात ठीक है तो दाहिर के साथ क्या हो गया धोखा बेचारा दाहिर बोला कि मैंने तो बोला भी नहीं था किसी और ने रिक्वेस्ट भेजी और किसी और ने बात करी इल्जाम मेरे पे आ गया और पापा भी मेरे को मार रहे हैं और गली वाले भी मार रहे हैं कि तूने हमारी लड़की चेड़ दी ठीक है ये वाली बात होती है ठीक तो दाहिर की जो दो लड़कियां थी दाहिर की पता है दो लड़कियां थी उसकी राजकुमारियां नाम याद नहीं है प्यारे नाम नहीं थे ना तो याद नहीं कर पाया नहीं वैसे मेरे को नाम याद नहीं है साबित राजा का नाम है दाहिर लेकिन उसकी दो लड़कियां थी हाँ भाई कासिम बैठ कासिम मार रहा था पता कहा है मेरा सामान पता कहा मारवा कि पापा को छोड़ दो अगला बंदा खुश कोई दिक्कत नहीं सर मत बताओ अपना तो काम हो गया उठाई दोनों ले गई बोले उसको क्या दिक्कत वो नहीं थी सीमा नहीं है तो रीता तो मिली कोई तो मिली इनकी लड़कियों को उठा और वहाँ की और लड़कियों को भी उठाया और लेके आ गया यहाँ पे अरब लेके आ गया अब जब अरब लेके आया ना अभी कहानी खत्म नहीं हुई अरब लेके उसकी लड़की ट्रिपल सातिर यहाँ पे क्या हो रहा है हर बंदा ना दूसरे की चिमटी काट के भाग जा रहा है और हाँ चूटी चूटी काट के भाग जा रहा है और दूसरे पे आरोप लगा दे रहा है समझ आ रहा है ये हर बंदा कांड कर रहा है और दूसरे पे डाल दे रहा है ये वाला हो रहा है अब क्या हुआ कि जब दाहिर लेके आया ना इसको मतलब दाहिर नहीं दाहिर तो खत्म अब इसको लेके आया दो लड़कियों को अब जो ये राजा था ना यहाँ का कासिम तो सेनापति था जब कासिम लेके आया उसको तो वहां क्या सीन हुआ अब जो वो वहां का राजा था ना अरे यार इतना अश्लील लाल बंदा नहीं होता हर लड़का हर लड़की को अश्लीलता से नहीं देखता कुछ बेटी और बहन की नजर से भी देखते तुम यार तुम गलत गलत चाहिए यार ठीक है तुमने ना आज लड़कों को ना गलत बता दिया तुमने करके यार हर लड़का गंदा नहीं होता थोड़े बहुत होते हैं ठीक है मतलब थोड़े बहुत होते हैं हर लड़का गंदा नहीं होता ठीक है अच्छा तुम्हारे तुम जो करते हो ना फोनों में उतना तो ये भी नहीं करते होंगे हाँ सच्चाई पे आ जाए तो नहीं बता रहा हूँ हर बंदे को पता है आईने के सामने वो कितना गंदा है ना सबका अपने राज बताते हैं मैं कितना गंदा मेरे को पता तुम्हें नहीं पता था और बताऊं क्यों भाई अपनी पर्सनल चीज है ना बंदा अब बोले कि टीचर कुछ नहीं कर सकता क्यों टीचर हूं तो क्या मैं मर जाऊं हाँ अब सुनो क्या हुआ अब जब कासिम मार के है ना उनकी उसकी बाप बच्चियों के सामने बाप को मार दिया बोले पापा पापा उसके पापा के दो रैपेट और बोले पापा पापा दो रैपेट और पापा पापा दो रैपेट और हाँ नहीं उसका दाई बोला मत बोला पापा पापा बस हो गया पापा पापा नहीं मेरी बहन जितने तू पापा बोल रही उतनी रैपेट मारा है मेरे को बोले पापा मत बोले उसको ले गया दाई खत्म ठीक है जब ये लेके आना उसकी दोनों लड़कियां और ज्यादा यार इतनी देर साड़ी वो आई इसके पास यहाँ के अरब के राजा के पास वहां पे आके बोली से गल बना ली आप भी मेरे पापा की तरह हो मेरे पापा भी ऐसे थे सर ऐसी ऐसी बातों की बलाना हो गया वहाँ का राजा पिघल गया कासिम को बुलाया अरे बदतमीज तू इनके बाप को इनके सामने मारा साइड में मारता बोले इन्होंने मारा और बोला कि मैं तो सबको मार दूंगा जितने भी राजा हैं और पलाना ठिकाना और मेरे भी राजा से मैं डरता नहीं हूँ है हाँ वो आग लगा दी अच्छे से और मैं आपको लड़कियों की तरह मैं आपको पापा की नज़र से देख रही हूँ भाई बंदा पिघल गया और पता है क्या करा गया कासिम के साथ क्या हुआ एक दिन की बात नहीं है ये तीन चार महीने लगा था ये षड्यंत्र करने में उन लड़कियों को लड़कियाँ यार मतलब सारी नहीं थोड़ी लड़कियाँ यार एकदम ऐसे थोड़ी से ऊपर नखाती सोच के गई थी कि लक्ष्मण को साइड कर लूंगी लक्ष्मण नहीं मिला तो राम ही भगवान से सही है हाँ हाँ तो नाक यही होता है नाक ही कटवाती ये देखो सुपर नका ने खुद की नाक काटी थी ये कौन सी रामायण देख रही है भैया यूट्यूब पे देखती हो क्या इससे ज्यादा नहीं सह पाऊंगा मैं अच्छा वो पता है तू चाय पी रही होगी और किसी और के बारे में सोचे तो पता नहीं लगा किन्हें काट देना हाँ तूने तब नहीं देखा था वैसे हुआ तूने तब देखा था वैसे हुआ ठीक है इरेजर हाँ सही बात है इरेजर थोड़ी मिट जाएगी अच्छा मेरी बात सुन तो उन दोनों मतलब इतनी माइंड माइंड वाली लड़कियां थी यार राजकुमारियां इतनी देर थानी इतनी चालबाज क्यों इतने बड़े कासिम को पकड़वा दिया और कासिम को राजा ने बोला तू बदतमीज है तेरे जैसे लोगों की वजह से लोगों के बाप खत्म होते हैं तेरे जैसे लोगों की वजह से फादर डे पे स्टेटस लगाती है लड़कियां रोती है मेरे पिताजी नहीं है हाँ और पता क्या हुआ कासिम का एक ऊँट मंगवाया ऊँट को मरवा दिया ऊँट की खाल बनवाई और उसको पैक करा कासिम को जमीन में गाड़ दिया किताब में लिखा है कि ऊँट की खाल में बंद करके जमीन में गाड़ दिया था कासिम को हाँ क्या हो गया भाई ठीक कासिम को ठीक है ऊँट की खाल में गाड़ दिया आप सोचो इतना कुछ करा कासिम ने उसके लिए लड़कियां ला रहा है ज्वेलरी ला रहा है और दो नई नई और लड़कियां लाया था तू उनको बेटी बना रहा है यार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है बन गया ना बेवकूफ कासिम भी क्या सोच रहा होगा रास्ता मतलब कि इसको यहाँ क्यों लेके अपने घर ले जाता तभी सही रहता समझ आया यही होता है लड़कियाँ सीखो कुछ सीखो तुम्हें बोल रहा हूँ ये तो इनका तो खेल ही है तुम सीख लो ठीक है
समझ आई कहानी? और यही पहली बार क्या हुआ था मछली आक्रमण, क्या ऐसे क्या कर रही है तेरी सहेली होगी वैसे? देर साना दिमाग लगाते हो, पता यार अच्छा वाला बंदा बोल देती कि मैं तुम्हारे पापा को नहीं तुम्हारा ये करवा दूंगी, देखो क्या करवा दिया, इतना बड़ा सेनापति बता, अंत में हुआ क्या? ऊंट की खाल में बंद करवा के जमीन में डाला उसने, उसने उनके बाप को मारा था, उसको दर्द हो गया, तूने फादर डे के दिन पापा को मारा किसी के, भाई पर्सनल चुक गया था वो, लड़कियों ने इतना गंदा जहर घोला था ना, होता नहीं है, पहले तो अच्छी रहती है सासू माँ 15 दिन बाद पता लगता है कहानी क्या है, पहले दिन तो सब कुछ आता है उनको, ये मैं कर दूंगी, आप क्यों बूढ़ी हो चुकी हो, रहने दो, 15 दिन बाद यार बूढ़ी हो गई है हमारे ऊपर हुक्म चलाती है, सब नहीं करती तुम जैसी 4-5 लड़कियां नहीं करती और बाकी करती है। अच्छा मेरी बात सुनो, इस्लाम का आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़ने लग गया, रहस्यवाद का मतलब समझते हो? इंग्लिश नहीं पूछी थी, ठीक है, ज्यादा उसी यार लोग इंग्लिश में आंसर दे देते हैं, रहस्यवाद, ठीक है, हाँ सही बोल रहा है, ठीक है, हाँ अरे एक्सप्लेन मत कर हम समझ गए, ठीक है तू बिना बोले समझा देगा फिर, सुनो, रहस्यवाद तथा वैराग्य की ओर बढ़ने लगा और इन लोगों को सूफी कहा जाने लग गया, ठीक है, मतलब वो लोग जो ना सोचने लग गए कि क्या भगवान है, कैसे मिलेगा भगवान, समझ आ रहा है, यही नहीं कि मूर्तियों की पूजा करनी है, भगवान कैसे मिलेंगे, इन सारी बातों के लिए क्या हो गया, वैराग्य, वैराग्य का मतलब है उनको ना उनकी भूख नहीं मिट रही है कि हमें भगवान के पास जाना है, और क्या कर लिया मैं ऐसा, मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, बंदे घूमने लग गए और मदहोश हो गए, दिन भर नाचो रात भर नाचो, गाना ही गाते रहो, इतना गाना गाओ कि सामने आ रहा बंदा बोलते कि बस भाई तेरी आवाज़ अच्छी है, इतने गाने बजाओ शेर वाली माता की, भाभी ऐसे बजाती कि सामने वाली शेर वाली माता आ जाए, बस बेटा सुन लिए अब बंद कर ले डीजे, माता ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, अरे माता ने बुलाया नहीं, माता खुद आ गई, बेटा बंद कर ले, ऊपर तक आवाज़ आ रही है, मेरे को भी नींद नहीं आ पा रही है। देखो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का प्रतीक है, शेख और मुरीद का मतलब जानते हो, शेख का मतलब वो बंदा जिसके हाथ में पावर है, ठीक है, किंग नहीं, उसके हाथ में पावर है भगवान जैसी, ठीक है, और मुरीद का मतलब चेला, अंकल हमें रास्ता दिखाओ, कौन सा पेन यूज करूं जो 100 में से 100 नंबर आ जाए, हाँ ये मुरीद होते हैं, और शेख कौन होते हैं, बेटा टॉप टेक का पेन ले जाइयो और मेरा नाम ले लियो, 100 में से 100 नंबर आएंगे, है ना, ये होते हैं शेख, समझ आया, सारे नहीं होते ऐसे। इस रिश्ते की पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी, पैगंबर मोहम्मद ही तो थे पहले बंदे मुसलमान में जिन्होंने क्या बताया था कि अल्लाह ने मेरे को रिप्रेजेंटेटिव करके भेजा है, जैसे नेता लोग नहीं होते कि मैं तुम्हारा सारा काम करवाऊंगा, होते मैं तुम्हारे यहाँ पानी भेजाऊंगा, मैं तुम्हें 2-2 दारू की बोतल दिया करूंगा, बच्चे क्या सीखेंगे इससे, बच्चों ने सीख लिया भाई, तुमने ही तो सिखाओ, अरे बस ले ले इधर सुनो सुनो मैं क्या बता रहा था, हाँ पैगंबर पहली कड़ी थी, क्या थी, पहली कड़ी, चावल नहीं, ठीक है, कड़ी मींस वो जंजीर की कड़ी जो भगवान से मुरीद को मिला रहे, मतलब जो आते नहीं है क्या बोलते हैं शिष्य, उनको भगवान से मिलाते हैं, जाते हैं पुजारी, वो क्या बोलते हैं, अरे जो पूजा करते हैं मंदिर में, अरे यार हम लोग जो जाते हैं भक्त, हाँ भक्त और भगवान के बीच का बंदा कौन, पैगंबर, और हमारे यहाँ कौन, पंडित या ब्राह्मण, समझ आया, हाँ तो यार मैंने उदाहरण दिया, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहे थे ना मुसलमान वाले, बिकॉज आई एम नॉट मुसलमान, ठीक है, हाँ खुदा का संदेश वाहक बर्थडे जोली मेरी है मोहम्मद मजीना लौट के आगे जो भी है, मेरे को नहीं आ रहा, ये समझ आया, तो पहली कड़ी किसने जोड़ी, पैगंबर मोहम्मद ने, और जब पैगंबर मोहम्मद जी की हत्या होगी उसके बाद धीरे धीरे चिश्ती से मतलब कि और दूसरे लोग आए जिनका नाम हुआ खलीफा, सुना है चौड़े में खलीफा, ठीक सुना है, सही है, क्या सुना है, कौन सा गाना सुनो, कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नया आंदोलन की नींव रखी, ये रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करके फकीर का जीवन बिताते थे, मींस इन्होंने वो वाली लाइफ छोड़ दी कि भाई हमारे यहाँ हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे यहाँ चादर चढ़ाओ, नहीं ये फकीर बन गए, थैला टांग लिया भैया आटा मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हारा को दुआ मिले जाओ, फिर थैला टांग के पहुंचे आंटी रोटी मिलेगी कुछ नहीं दूंगी भग जाए यहाँ से, तुम्हारा भी भला आंटी मजे में रहो, हर बंदे को क्या दे रहे दुआ, आंटी पानी मिलेगा जा कुत्ते, आंटी आ भगवान जाओ, मतलब ऐसे ऐसे समझ आ रहा है, ये नाचते रहते थे, कोई लात मार के भैया तेरी लात बहुत अच्छी है समझ आया, एक और मार निकले सुनो सुनो नहीं इन्हीं बंदों की वजह से इतना बदलाव आया, लेकिन जो इतना बड़ा बदलाव आया हकीकत में, नहीं तो जाति व्यवस्था ना आज भी है ना बदल नहीं पाती, सोचो ना ये पूरे के पूरे 800 साल का काम है, 800 साल की मेहनत है जो आज के टाइम में है, संविधान भी नहीं बन पाता भाई इस हिसाब का, अगर इतने लोग मैच्योर नहीं होते, मैच्योरिटी आई है जब ये समझ आया है कि सारे धर्म एक बराबर है, मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट आया कि हर बंदा पूजा कर सकता है, 800 साल के बदलाव है नहीं भक्ति सूफी के कारण, तभी तो संविधान वालों को भी समझ आया, जब संविधान वाले जाति पाति को मानते तो संविधान में होता ही ये काम, समझ आ रहा है, तो 800 साल की मेहनत है,
समझ आ रहा, ऐसे नहीं ठस्से में तुम छोड़ दो। हाँ भाई, कबीर के बारे में जानते हो? देखो, श्री कबीर ने परम सत्य का वर्णन करने के लिए उनके परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। कबीर जो कबीर थे ना, कबीर है ना सबसे खतरनाकों में से एक थे। खतरनाक का मतलब समझ रहे हो, हर बंदे को जो पसंद हो। कि कबीर है ना हर मतलब बहुत सारी भाषा के ज्ञाता थे, ठीक है, उनको ज्यादा भाषा आती थी। उनकी जो है ना कोई कोट उठा के देख लेना, जो दोहे हैं उनमें संस्कृत और उर्दू एक साथ मिल जाएगी तुम्हें, है ना। उर्दू भी बोलते हैं, संस्कृत भी, हिंदी भी, हर चीज का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, मेरी बात सुनो, ये तुम्हें ना खुद पढ़ लेना, एक बात बता रहा हूँ। जो संत लोग थे ना उनका ना अलग ही लेवल था। अलग लेवल का मतलब समझ रहे हो, जिस समय कबीर आए थे ना 1500 के टाइम में, उस समय ना ब्राह्मणवाद बहुत खतरनाक तरीके से था। ब्राह्मणवाद का मतलब कोई भी नीची जाति का बंदा था, जला के राख कर देते थे, उनको बाहर भगा देते थे, गांव से, देश से ही बाहर भगा देते थे। समझ आ रहा है, गांव देश का मतलब पता है क्या? वो टेरिटरी, देश का मतलब भारत नहीं था तब, वो टेरिटरी एक राजा की, उसको देश बोलते थे तब। जैसे बिहार का राजा बिहार को देश बोलता था। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो जब तुम खुद सोचो, सबसे बड़ा ब्राह्मण का गढ़ पता है कौन सा है? गढ़ का मतलब जहां यूपी में एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण का गढ़ बोला जाता है, जहां पे ब्राह्मण की सुप्रीमेसी अभी नहीं, अयोध्या नहीं है, वाराणसी। वाराणसी, ठीक है, बनारस बोलते जिसे, ठीक है, ये ब्राह्मण का गढ़ है। और पता है यही कबीर ने शुरुआत करी थी, कबीर ने यही शुरुआत करी थी और यही से कोर्ट चालू करे थे। लेकिन पता है आज की तरह नहीं है कि कोई, आज के लोग क्या है, तुम्हें कोई बोलता रहा तूने तो सही नहीं लिखा, दो गाली बक दोगे तुरंत, हाँ। उस समय 1500 के टाइम में आज तुम्हें कोई बोलता रहे तुम्हारी जाति वाले, ये दिन दे बड़े आए नेता, आए बड़े पंडित, आए बड़े क्षत्रिय, आए बड़े ये, आए बड़े वो, हाँ, हर दूसरा बंदा, और चार गाली और दे देंगे मां बहन की बस भैया, ठीक है। लेकिन उस समय 1500 के टाइम में, आज से 500 साल पहले सोचो, कबीर को किसी बंदे ने भगाया नहीं, पता है, मतलब थोड़े बहुत होते, लेकिन ब्राह्मणों के यहाँ से, वाराणसी से कबीर ने क्या करा था, ये चालू करा था अपना, और ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को डायरेक्ट टक्कर मारी थी। अपने शायरी बोल रहा हूँ मैं, उनको जो भी होते थे दोहे, ठीक है, दोहे बोल के, ठीक है, दोहे बोल के सीधे ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को टक्कर मारी थी, और वहां पे ब्राह्मणों के घर में घुस के, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण उस समय के समझदार थे, बोला करने दो इस बंदे को भी जो कर रहा है, समझ आ रहा है। तो उस समय के लोग होते थे बुद्धिमान, आया तुम्हारे तरह नहीं, साइड साइड हो जाए, क्यों जाओ बोले, हाँ, समझ आ रहा है। आज सहने की क्षमता नहीं है ना, उस समय के लोग होते थे तभी ये टिक गया। आज के जमाने में अगर कबीर होते ना आत्महत्या कर लेते, हाँ, वो वाला खोट नहीं है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो नहीं यार, हाँ। और आगे क्या है, समय बीता जाता है, बंदे करेगा तू कब, है ना, ये कबीर ने कहा था, ठीक है, ऐसे कहा था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समय बीता जाता है, बंदे तू करेगा कब, हाँ हाँ, यही था मतलब, यही था, समय बीता जाता है, बंदे करेगा तू कब, कबीर ने 1500 में कहा था। अब होते कबीर तो क्या कहते, नहीं क्या कहते कबीर, इसी लाइन को उठाओ दोबारा, शुरुआत की लाइन क्या है, नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो नहीं, करियो जब मर्जी जब, जीवन के साल है बहुत सारे, चाहे कर लियो आज चाहे कर लियो परसों, पढ़े हैं बरसों, समझ आया। कबीर अब क्या है, अब ये कहते कि पता कबीर को, या मोटिवेशन दूंगा दो गाली दे देंगे, या ऐसे ऐसे लोग हैं इनको मोटिवेशन दूंगा दो ही लिख के जाऊंगा, उसमें पान थूक देंगे, ऐसे लोग हैं, मतलब कबीर है क्या कर रहा है तू, पर हाँ समझ आ रहा है, वो तब के लोग थे इंटेलेक्चुअल, आज के क्या, आज के तो किसी के अपने अपने घर वालों की बात नहीं मानते तो बाहर की बात क्या माने, टीचरों की बात नहीं मानते, सामने पढ़ाने वाला कुछ बोलता है अपनी लगाते रहते हैं, ठीक है। तो कबीर की क्या मारा, कबीर फांसी लगा, और महात्मा बुद्ध होते ना बोलते मैं नहीं छोड़ रहा, अध्यक्ष चलो भाई यहाँ सब दलिद्दर हैं, मैं छोड़ूंगा तो खुद कब्जा कर लेंगे, और मेरे को मान भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे चूतिया था कभी वो, हाँ महात्मा बुद्ध, हाँ, आज के जमाने में कोई अपनी प्रॉपर्टी त्याग कर दे, तुम बोला इससे मूर्ख तो कोई नहीं है, हाँ महात्मा बुद्ध होते बेटा मेरे को नहीं बनना महात्मा, मैं राजा ही बढ़िया हूँ, मोदी छोड़ देंगे अपनी गद्दी, नहीं ना, कोई भी नहीं छोड़ेगा, 10 रुपये का पेन नहीं देना चाहता कोई दूसरे को, हाँ बात हो, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ की इच्छा हो तो त्याग हो सकता है, समझ आ रहा है, 10 रुपये का पेन, 10 रुपये की चॉकलेट, 20 रुपये की डेयरी मिल्क, 70 वाली नहीं, बंदे करते हैं ना कॉपी के बीच में फंसा के देते हैं आजकल स्कूलों में डेयरी मिल्क, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कबीर थे आज के जमाने में होते तो नहीं छोड़ते ना, लेकिन आज के जमाने में कबीर भी बोलते मेरे को क्या मिलेगा तो मैं राजा छोड़ दूँ, हाँ, तो आज के जमाने में क्या, आज के जमाने में कैसे बंदे, वही वाली बात है, कुछ दे, कुछ लेंगे तभी देंगे, समझ आ रहा है, मतलब चॉकलेट तभी दे रहे हैं जब आगे मोटिव बनना है कि भैया मामला सेट होगा तभी देंगे, इतनी सीधी क्यों बननी है, पता नहीं है कहानी क्या, ये किसका है भाई, चीनी दाल कटनी नंबर 1 रिफाइंड मैदा आपका है, नहीं सबके घर में ये लिखा होता है, किसी के घर में ये नहीं लिखा होता है, गाड़ी का तेल लाओ सब्जी में डालने के लिए, हाँ ये चलो भाई आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, बाय बाय, टाटा वीडियो सेव कर दो।